अपनी मांगों को लेकर बुधवार को विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति और उनकी आर्थिक शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार विशेष आरक्षण की मांग सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर 51 विमुक्त घुमंतु जनजाति समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय बागली पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बंजारा युवा संघ के प्रदेश महामंत्री बनवारी नायक की उपस्थिति में हाट पिपलिया उदयनगर बागली तहसील से समाज जन सम्मिलित हुए। इस दौरान बताया कि आजादी के बाद से ही विमुक्त घुमंतु जनजाति को लेकर सरकारों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए, परिणाम स्वरूप आज भी यह घुमंतु जनजाति के लोग मात्र अपने पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य और केंद्र दोनों की जगह एक ही पार्टी की सरकार भी है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से हम आंदोलन के प्रथम चरण में ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। घुमंतु विमुक्त घुमंतु जनजाति 51 जातियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बागली महोदय को ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री द्वारा इन 51 जातियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई है, लेकिन वो सिर्फ घोषणाओं में रखी हुई है। तो उन घोषणाओं को स्मरण करवाने के लिए और भी बहुत सारी जो शैक्षिक रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी जो समस्या है, मूलभूत धारा से जो अभी तक 51 जातियाँ छुटी हुई है, इन सभी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। और यदि मुख्यमंत्री जी हमारे इन आवेदन निवेदन और ज्ञापन से यदि हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो मामा जी को हम लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर मान लो हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में 51 जातियों के समुदाय मिलके और भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे और एक महा आंदोलन का रूप वहाँ पर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।